क्या आपने अभी तक व्यक्तिगत फाइनेंस पर लिखित पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की ऑडियो बुक नहीं सुनी है? आइए जानते हैं वो चार सीक्रेट्स जो बताते हैं कि इसे क्यों सुनना आवश्यक है। हम बचत के लाभों को समझते हैं, लेकिन हम में से कई यह नहीं जानते कि पैसे कैसे बनाए जाएं और उन्हें कैसे मैनेज किया जाए। पर्सनल फाइनेंस को समझने और इसे मैनेज करना सीखने के लिए मार्केट में कई बुक्स उपलब्ध हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर नेपोलियन हिल्स के द्वारा लिखित पुस्तक थिंक्स एंड ग्रो रिच और थॉमस जे स्टेनली की द मिलेनियर नेक्स्ट डोर है। इसके अलावा रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा बेस्ट सेलिंग पर्सनल फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड आपके वित्तीय ज्ञान को बेहतर बनाने में मदद करती है। आइए जानते हैं इसे सुनने के चार सीक्रेट्स। पहला सीक्रेट, पुस्तक हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन में जो काम नहीं कर रहा उसके अलावा और भी विकल्प मौजूद हैं। हम अक्सर यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि हमारे पास यह चुनने की अल्टीमेट क्षमता है कि हम अपने जीवन को कैसे बिताते हैं, कैसे कमाते हैं और कैसे खर्च करते हैं। नौकरी के बजाय आज पैसे कमाने के कई तरीके और रास्ते उपलब्ध हैं। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक हमें चूहा दौड़ से बचने, पैसे कमाने के तरीके और अधिक विकल्पों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरा सीक्रेट, यह सिखाती है कि पैसे के मामले में भावनाओं पर काबू पाना जरूरी है और यह भी सिखाती है कि इन पर कैसे काबू पाया जाए। सोचने के लिए भावनाओं का प्रयोग करना सीखें, न कि भावनाओं के साथ सोचें। यद्यपि भावनाओं को काबू करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह संभव है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि जीवन में ज्यादातर लोग दो भावनाओं यानी भय और इच्छा से प्रेरित होते हैं। भय और इच्छा निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की विचार प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, जिससे वे अतर्क संगत निर्णय ले सकते हैं। आप जिन भावनाओं का अनुभव करते हैं, जैसे डर और कमजोरियां, जिनका आप किसी भी दूसरे विचार को चुनकर सामना कर सकते हैं, बशर्ते कि वे कठिनाइयां आपको नियंत्रित करें, आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के समाधान खोज सकते हैं और उन पर काबू पा सकते हैं। तीसरा सीक्रेट, यह पुस्तक सिखाती है कि आपको तब भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए जब आप स्कूल छोड़ देते हैं। जब आप अनिवार्य शिक्षा छोड़ते हैं तो ज्यादातर लोग यह मानने लगते हैं कि उनकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, जबकि सीखने का कोई अंत नहीं है। यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो यह सीखने से शुरू होता है। ज्यादा आय हासिल करने का एकमात्र तरीका ज्यादा वित्तीय शिक्षा हासिल करना है। चौथा सीक्रेट, यह सिखाती है कि कैसे पैसे से अपने लिए काम करवाया जाए। फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना धन जल्दी ही आपके पास से चला जाएगा। आइए उन लोगों को देखें जो लॉटरी जीतते हैं। उनमें से काफी लोग गरीब होते हैं और वे फिर अचानक अमीर बन जाते हैं और फिर वापस गरीब हो जाते हैं। यह इसलिए होता है कि उनके पास वित्तीय ज्ञान का अभाव होता है, जिसकी वजह से उनके पैसे पलक झपकते ही चले जाते हैं। वेल्थ बनाने में समय और समझ लगती है। पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, इसे समझने के लिए समय लगता है। तो आइए अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने और उसे मजबूत करने के लिए रिच डैड पुअर डैड पुस्तक की ऑडियो बुक सुनें और उससे ज्ञान हासिल करें। आप इसे www.hindiaudiobook.com पर भी सुन सकते हैं और यह हमारे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो बुक पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।